अरे सर, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये तो अध्यक्ष जी पर पूछ, अध्यक्ष जी से पूछ लेना, पूछ ले। अगर हो भी तो इनको निकालो। हाँ निकालो, आप कार्रवाई करो, निकाल। ये जब बताइए इस तरह की बात, अरे सरकारी कार्रवाई को यहाँ बताने आओ। तो भैया नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। आज तो वैसे बहुत कुछ वायरल है, कारण विधानसभा सत्र। आज पहले दिन हुआ कुछ ऐसा कि सीएम योगी ने विधानसभा में अपने भाषण को खत्म करके बैठे बैठे छोटी सी झप्पी मारनी चाहिए, मगर सामने बैठे विपक्ष ने अपने भाषण के साथ उनकी फोटो खींच ली। देखिए और क्या क्या दावा किया यूपी कांग्रेस ने। अब नींद है, कहीं भी आ सकती है, आदमी इसके लिए क्या ही करेगा। लेकिन विपक्ष को मौका तो मिल गया, हाथ से कैसे जाने दिया जाए। बकायदा अजय कुमार लल्लू भी कहते दिखे कि देखो दम तोड़ता यूपीए है। इसके साथ ही तरह तरह के पोस्टर भी वायरल होने लगे, कहीं कहीं इन्हें खूब तगड़ा जवाब भी मिला। जैसे एक जनाब लिखते हैं कि सदन में विपक्ष की बातों को ध्यान से सुनने को अगर सोना कहते हैं तो राहुल गांधी यहाँ क्या कर रहे हैं। वाह। बहरहाल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएम साहब तो ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, सुनना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर विपक्ष की इच्छा सच हो जाए, मतलब जैसा उन्होंने पोस्टर में चाहा लिखा वैसा सामने आ जाए। नहीं समझे तो देखिए। तो भैया यहाँ हुआ यूं कि विधानसभा में आईना लेकर पहुंचे सपा के विधायक राजेश यादव लिफ्ट के पास इंतजार कर रहे थे। गले में लटके आईने पर लिखा था कि भाजपा का झूठ सबको बताएं, भाजपाइयों को आईना दिखाएं। और तभी डिप्टी सीएम आ गए, उनका चेहरा आईने में दिख रहा था। फिर क्या, सब कुछ तो इन दोनों के चेहरे ने आगे की स्टोरी बयां कर दी। लोग इस पर कहते देखे कि बताओ क्या तस्वीर है। एक पल को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सोच रहे होंगे कि क्या टाइमिंग है बाबा। वैसे ये एक नज़ारा नहीं है, सपा और कांग्रेस विधानसभा सत्र के पहले दिन तो अलग अलग ढंग में नजर आई। देखिए वैसे अभी तक तो हमने चली विधानसभा सत्र की बातें की, लेकिन क्या हो अगर आप किसी पार्टी के लिए 40 साल से काम कर रहे हैं और अगर आपने कह दिया कि भैया यहाँ ब्राह्मण समुदाय को थोड़ी दिक्कत है, तो आपको एक झटके में पार्टी से निकालने की धमकी मिल जाए, भरी सभा से बेइज्जत करके मंत्री जी आपको भगा दें। ऐसा हम नहीं, सपा की ओर से कहा जा रहा है। देखिए घटिया टाइप की बात आकर के किसने किसने तुमको भेजा। अरे सर, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये तो अध्यक्ष जी पर पूछ, अध्यक्ष जी से पूछ लेना, पूछ ले। अगर हो भी तो इनको निकालो। हाँ निकालो, आप कार्रवाई करो, निकाल। ये जब बताइए इस तरह की बात, अरे सरकारी कार्रवाई को यहाँ बताने आओ। तो यहाँ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा जब आशीर्वाद यात्रा के लिए हरदोई पहुंचे तो वहाँ भाजपा के एक ब्राह्मण कार्यकर्ता ने अपने ऊपर प्रशासनिक उत्पीड़न का मुद्दा उठाया तो मंत्री जी को गुस्सा आ गया। लेकिन इस गुस्से के चक्कर में मंत्री जी ने बीजेपी की किरकिरी करवा दी। लोग यूपी बीजेपी को खूब बुरा भला कहते नजर आए। खैर भैया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो राह आसान नहीं होगी। सबका साथ सबका विकास केवल नारे में ही नहीं, मंत्री जी को भी ये देखना पड़ेगा। तो भैया आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी ही वायरल खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे आज क्या है वायरल। नमस्ते।